मजे आ जाएंगे तेरे भी। कहाँ ये 80 किलो के आराम से बेंच मार लेता था। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, वापस वेट वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो शुरुआत करते हैं। पैसी गलती मत करना और तू भी सुन ले, आने वाले यूथ से थोड़ा सैड रहना चाहिए। सर राम राम मेरे भाई, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ अक्सर उन बच्चों के चक्कर में जिन्हों का बिचारों का किसी ना किसी कारणवश बिगनर होगा, जिम छूट जाता है, चाहे वो एग्जाम हो या अपना कॉलेज में एडमिशन हो या कोई स्पोर्ट्स हो या घर में शादी हो या कोई प्रॉब्लम हो, वट एवर। तो बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई अब शुरुआत कहाँ से करें, डाइट कहाँ से शुरू करें, क्योंकि वो बिगनर बच्चे 6-7-8 महीने करके अपने आप को बहुत अच्छा बिल्डअप कर लेते हैं और वो सब चीज़ें पुरानी जो उन्होंने शुरुआत करी थी वो सब भूल जाते हैं। और फिर ऐसा होता है उन बिगनर को कई बार एक्सरसाइज से इंजरी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है उनकी डाइट पूरी नहीं हो पाती है, वो वर्कआउट शुरुआत करते 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 और कमज़ोर फील करने लगते हैं, ना कि 1-2 महीने में उनकी बॉडी बिल्डअप करने लगती है। तो आज शुरुआत करेंगे हम कुछ डाइट से कि हमको बिगनर में, जैसे कि हमने बहुत दिनों बाद वर्कआउट शुरू किया, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसे कौन से मल्टीविटामिन्स और ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट हम लोगों को खाने चाहिए जो एटलीस्ट हमने दोबारा जिम किया है तो एटलीस्ट 1 से 10 दिन बाद हम उसको शुरू कर दें, ठीक है? तो चलो और वर्कआउट करेंगे आज अपना चेस्ट का वर्कआउट आप लोगों के सामने। ये बिगिनर लड़का आप लोगों ने अच्छा खासा देखा होगा, काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो गया खड़ा, और अपना देख लो क्या हाल है। तो वही है, अपने एग्ज़ाम थे, घर था, कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ शादियाँ थी या कुछ यार दोस्त थे, जिम छूट गए थे, उनके बाद वेट हो चुका है डाउन। तो चलो करते हैं आप लोगों बिगनर होगी अपनी तरफ से हेल्प जितनी होती है, चलो अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। चलो सो भाई बिगनर भाई, जैसे कि आप लोग करते हो अपना वार्म अप करते हो, तो वार्म अप में तो आप लोगों को सबको पता होगा पुशअप मारते हैं, चल तू पुशअप कर। मैं तब तक आप लोगों को बात बता देता हूँ, बिगनर के लिए खासकर आपको वर्कआउट से पहले भूखा नहीं रहना है, ध्यान से समझना। वर्कआउट से पहले आपको एटलीस्ट आधे घंटे पहले कोई मील लेना है। मील में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा सा दलिया ले सकते हो, हल्का सा मिल्क डाल के 1 केला ले सकते हो, लेकिन आधे घंटे पहले। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि यार मैं दलिया ना लूँ, तो आप लोग ओट्स मत लेना। ओट्स आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत हाई होता है, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो हमारा मेटाबॉलिज्म और हाई करे, जिससे हम और पतले हो जाए। तो केला हो जाएगा, थोड़ा सा दूध हो जाएगा, थोड़ा सा दलिया हो जाएगा, या फिर लो अपना ब्राउन ब्रेड, थोड़ा सा पीनट बटर लगा के और 2 या 3 अंडे का ऑमलेट और फिर 1 केला, ठीक है? ये कोई 10-15 मिनट पहले नहीं खाना है, ये खाना है आपको एटलीस्ट आधे घंटे पहले, क्योंकि 10-15 मिनट से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और बताता हूँ ऑप्शन, जो कि हम लोग करते थे, हमारे जो सीनियर से हमको बताते हैं, आप आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले 2 या 3 आलू अपना थोड़ा सा दही में खा लो वर्कआउट से पहले, ठीक है? और अपना वर्कआउट शुरू कर दो। हम लोग यही करते थे भाई, ये है प्री वर्कआउट मील और आफ्टर वर्कआउट मील बताता रहूँगा। सो भाई गेनर खाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। गेनर के लिए अपना 1 डाला इसमें केला और कुछ अपना, ताकि इसकी थोड़ी सी कैलरीज और बढ़ जाए, क्योंकि हम जो लड़के पतले होते हैं उन लड़कों को थोड़ी सी कैलरी ज़्यादा खिलानी ज़रूरी है, जिससे कि क्या होता है कैलरी ज़्यादा खाने से ऑटोमेटिक अपना वेट ऊपर आ जाता है। सो ज़्यादा नहीं, अपना 4-5 खजूर डाल लो, 4-5 अपना बादाम की गिरी डाल लो, क्योंकि इतना भी नहीं खाना है कि साला सच में इससे भूख भी ना लगे, और डाइट खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है? और खजूर भी सर्दी में काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि खजूर भी गर्म रहते हैं, तो सर्दी से भी अपना बचाव बना रहेगा, ताकि खांसी जुकाम ना हो। और मिल्क मिले तो मिल्क ज़्यादा अच्छा है, बट अभी जिम पे तो मिल्क है नहीं, तो मैं पानी में बनाऊँगा। पहले थोड़े से नट्स को कर लेते हैं शेक बढ़िया तरीके से। मजे आ जाएंगे तेरे भी, सही है भाई। हो गया अपना पहले तो खजूर बादाम वादाम मिला के 1 शेक। अब करेंगे हम गेनर, और गेनर की डालनी है 1 सर्विंग में एटलीस्ट 2 स्कूप, ठीक है जी? एक, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, देख रहे क्वालिटी कितना चमक रहा है यार, सच में गोल्ड जैसा चमक रहा है, बढ़िया। एक्स्ट्रा शुगर भी नहीं है इसमें, जब मैं खा के देखा ना इसको, एक्स्ट्रा शुगर भी नहीं है। कि ऐसा होता है कि अक्सर गेनर खाने से लड़कों के मुंह फूल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को कि स्किन में एक्ने हो जाने, फेस पे एक्ने हो जाने। सो चलो भाई बहुत बढ़िया चीज़ बनने वाली है, मज़ा आ रहा है देख के तो मुझे तो, और लड़का पी के बताएगा क्या मज़ा आ रहा क्या नहीं आ रहा। सो भाई देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, और आपकी ये लगा लो एक मील है एक तरह से, जैसे कि मैंने इसको बनाया, आप इसमें मिल्क डाल देना और कुछ खजूर डाल देना, कुछ बादाम डाल देना और अपना ये गेनर डाल देना। आप लोग समझ लो आपने एक मील खा ली, और इस मील खाने के बाद 20-25-30 मिनट बाद ही आपको भूख लगेगी, तो ये समझ लेना कि भाई आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। चल भाई ये पी के देख तू कैसा लग रहा है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो जाके बाय करो अपना सीरियल बेस्ड मास गेनर, जिससे आपको कोई खाने की भूख वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
और आपके वेट गेन करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये समझ लो तेरा प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स इंटेक भी पूरा हो चुका है और एक मील हो चुकी है और इसके आधे पौने घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी, तो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अपना सेम डाइट बनाए रखो। और मैं आपको बता दूं मल्टी विटामिन में इसके साथ विटामिन ई यानी कि ईवियन, सुप्राकॉल यानी कि कैल्शियम और एक MCT ऑयल जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें ये ऐड ऑन कर देना। आपका वेट देखो डे बाय डे और कैसे इंक्रीज होता है। एल्बो थोड़ी सी बाहर रख, हाँ बाहर रख ऐसे, हाँ चल शाबाश शाबाश। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जब दोबारा शुरुआत करते हो तो अपने आप को वही मत समझो जो आप पहले वर्कआउट कर रहे थे। साल भर हो गया था आपको रेगुलर वर्कआउट करते हुए, तो बिल्कुल फ्लैट पे नॉर्मल तरीके से पुशअप मारनी है, अपना हाथ ऐसे रख के, कोई स्टैंड नहीं और फ्लैट पे कोई पैर ऊपर नहीं, ठीक है। इसके मारने 4 सेट, अब करेगा अपना चेस्ट का वर्कआउट। चलो पहला सेट मारना 10 kg से और सिर्फ 10 से 15 रैप मारियो, उससे पता चल जाएगी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। थोड़ा नीचे मार, चल चल चल, 15 से ज़्यादा मत मारियो और 10 से कम मत मारियो। चल वेरी गुड, कितने 15, चल वेट बढ़ा इसमें, इसमें 5 kg और बढ़ा। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि अपने आप को वर्कआउट के टाइम पे ज़्यादा नहीं तोड़ना है, मसल को ज़्यादा थकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा थका दोगे तो आपको ज़्यादा कैलोरीज, बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी ताकि आप अपने आप को दोबारा बिल्डअप कर पाओ, मसल को बिल्डअप कर पाओ, अपना वेट बिल्डअप कर पाओ। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के अपना वर्कआउट करना है और बहुत सीलो चलो, धैर्यपूर्वक चलो और अपना बढ़ जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो चल भाई बड़ा अब मारने गए, हमने करने इसके 4 सेट और जैसे कि मैंने किया है आप लोगों के सामने 15 रैप का पहला सेट किया है। अब अगले सेट करेंगे सिर्फ 8 से 10 रैप के और वेट बढ़ाते जाएंगे हर सेट में सिर्फ 5 kg, एकदम से डबल नहीं करना क्योंकि ब्रेक बहुत लंबा हो गया और बहुत लंबे ब्रेक होने के बाद एकदम से अपनी स्ट्रेंथ को स्लो स्लो बढ़ाना ज़रूरी होता है ताकि हम इंजरी से बचे रहें। चल भाई समझाता हूँ मैं डिफरेंस, जो रेगुलर कर रहा है वर्कआउट बिगनर वो और जिसने वर्कआउट छोड़ दिया था वो, बॉडी टाइप देख लो और बॉडी टाइप देख लो। आप लोगों के सामने इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, ये रेगुलर लगा हुआ है वर्कआउट में, बॉडी टाइप समझ लो, स्ट्रेंथ समझ लो, इंक्लाइन बेंच पे 15 किलो के कितना आराम से मार रहा है, ठीक है। चल शाबाश, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, कम ऑन, चलो चल बेटा चल, यस वन मोर, कम ऑन, ये है फेलियर रैप, यस। और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फेलियर रैप मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखाइए एक बार बॉडी, हार्डनेस से तुमको पता चल जाएगी कि हाँ भाई हार्डनेस से, और सच बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरल है, सिर्फ डाइट और फूड सप्लीमेंट। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि रेगुलर वर्कआउट करता है, वर्कआउट छोड़ता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल फेलियर तक मारता है। और इसका रूल है ऐसा कि भैया शादी आए, एग्ज़ाम आए, दोस्त आए, कुछ भी आए, लेकिन जिम ना छूट जाए, तो जिम रेगुलर करता है, इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है। तो कुछ लोगों के अंदर वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, कुछ बच्चों के अंदर कुछ मजबूरी हो जाती है कि वो जिम छोड़ देते हैं, यही रीज़न होता है कि उन लोगों का वापस वेट वहीं पहुँच जाता है जहाँ से वो शुरुआत करते हैं। चल भाई और इसका लास्ट सेट है और सिर्फ 20 kg बढ़ा, ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ा आप लोगों के सामने, नीचे नीचे कहाँ, ये 80 किलो के आराम से बेंच मार लेता था। चल चलो वन स्लो 10 स्टॉप, ठीक है। सो ज़्यादा हफदड़ी नहीं करनी है, वेट आपके सामने, तो इसके कर रहे हैं हमने 4 सेट। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं हम प्रेसिंग की एक्सरसाइज, जो कि हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को फुलनेस दे। तो नेक्स्ट वर्कआउट है अपना डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस मार, और इसके बाद करेंगे एक एक्सरसाइज वो, 4 एक्सरसाइज वो करेंगे जो हमारे मसल्स को फुलनेस देगी, 1 एक्सरसाइज वो करेंगे जो हमारे इनर मसल्स को, सॉरी इनर चेस्ट को काफ़ी अच्छी डेफिनेशन देती है, काफ़ी ब्यूटी बनाती है, ठीक है। डाउन जा शाबाश, और इसके 15 रैप मारने, चल आराम से 2 11, मसल को दबाएगा पूरा 12, हाँ पूरा चला 13 14 एंड 15, डन। अब लेके आ तू 17.5 का डंबल। तो आप लोग स्ट्रेंथ देखना इसमें, अब आपको डिफरेंस समझाता हूँ, जो बच्चे जिम छोड़ देते हैं उनकी स्ट्रेंथ और जो बच्चे रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ। एक चीज़ और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ भी है, आप लोगों के साथ भी होती होगी, आप लोग अपने साथ के लड़के को जिम में दोबारा देख के बड़ा शॉक हो जाते हो और एकदम से कहते हो यार जल्दी बनना है, इसको पकड़ना है इसके बराबर का, इसको बोलते हैं ईगो। इस ईगो को थोड़ा साइड रख के स्लो स्लो चलना आप लोग, ध्यान रखना वरना आपको इंजरी हो जाएगी। तो आपको अब उस दूसरे बच्चे की स्ट्रेंथ दिखाता हूँ जो रेगुलर चल रहा है वर्कआउट में, और ये वो बच्चा है जिसकी थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया था, 8 से 10 रैप मानने हैं, और ये वो बच्चा है जो रेगुलर वर्कआउट कर रहा है। बॉडी टाइप भी समझ जाओ, देख के भी देखो और चल, वेरी गुड 1 बढ़िया 2 शाबाश कम ऑन 3 ईजी चल 4 ईजी चल 5 बढ़िया कम ऑन 6 चलो 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 शाबाश 7 बहुत बढ़िया कम ऑन
एट, चल बढ़िया, नाइन, चल फेलियर है, कम ऑन लास्ट वन, यस गुड शॉट। फेलियर रैप मानना बहुत जरूरी होता है बिगनर भाइयों के लिए, खासकर स्ट्रेंथ बढ़ गई है तेरी बहुत, क्रिएटिन की बदौलत है सब जो दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में इसको आप देखोगे ना, मैंने लास्ट वीडियो में इसको अपनी तरफ से क्रिएटिन गिफ्ट किया था, तो इम्प्रूव हुआ उससे? अरे बहुत ज़्यादा। और कौन सा क्रिएटिन दिया था? बीस लाइट। इम्प्रूव हुआ ना? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, इसके भी जब शुरुआत हुई ना बिगनर की, यानी कि जब ये भी अपना वेट वेट को बड़ा लेके परेशान था, मैं कितनी वीडियो डाल चुका हूँ इसकी, कितनी स्टोरी डाल चुका हूँ, तो आप उसमें देखना इतना मसल बिल्डअप नहीं था। तो शुरुआत जहाँ से कराई सप्लीमेंट की और डाइट की, वहाँ से आज इस बच्चे की शुरुआत कराऊँगा और तुझे पकड़ लेगा। लेकिन चलो तू मेहनत कर, तू भी आगे निकलेगा। चलो तो भैया 17.5 का 15 किलो का पहला था और दूसरा सेट करा रहा हूँ इसको 17.5 से। चल शाबाश, चल पूरा ऊपर और 8-10 रैप, चल लास्ट वन, चल 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 सब बस। सुबह इतनी कम स्ट्रेंथ होगी, आराम से 25 किलो का डंबल मारने लगा था। और सर्दी में स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है आप लोगों की बॉडी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाना। सर्दी आ गई है, एक बात और बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सर्दी में हमें कैलरीज हाई खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि सर्दी में बॉडी बनेगी, बट ऐसा नहीं है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो बॉडी बहुत कम हो जाएगी और उससे होगा क्या, आप लोगों का वेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपने वर्कआउट का जरूर ध्यान रखें, सर्दी में न छोड़े वरना गर्मियों में बिल्कुल सूखी डंडी दिखोगे। तो इसके करेंगे हम लोग 4 सेट और अगला वर्कआउट दिखाता हूँ आपको, उसको 4 सेट करा देता हूँ। चलो भाई अगला सेट करते हैं अपना बटरफ्लाई, जो कि अपनी तीसरी एक्सरसाइज है। चलो चल मूव वन, पहले सेट में 15 रैप मारने हैं, 2 एकदम सीधा शाबाश, 3 वेरी गुड, 4 शाबाश, 5 दबा पूरा, 6 शाबाश पूरी दबाई कर, 7 पूरा सामने होल्ड, 8 चल होल्ड, आप सामने होल्ड कर सकते हो, पीछे होल्ड नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने अक्सर देखा है इंक्लाइन बेंच पे लड़कों को करते हुए, खासकर बिगनर भाई को करते हुए, उनको लगता है कि हम पीछे जाएंगे तो चेस्ट बहुत बढ़िया स्ट्रेच होती है और पीछे होल्ड कर लेते हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पीछे होल्ड करते हो तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। और आपने होल्ड किया फिर इसको प्रेस किया, देन अगली बार दोबारा होल्ड किया और प्रेस किया, तो आपका शोल्डर डिसलोकेट कभी भी हो सकता है। तो मेरे भाई ऐसे होल्ड नहीं करना। होल्ड करने का तरीका क्या होता है, पीछे किया होल्ड सामने किया, पीछे किया होल्ड सामने किया। ठीक है, जब सामने होल्ड करते हैं तो मसल्स को प्रॉपर कंट्रोल करके करते हैं, यानी जैसे आपकी बॉडी को टच कर रहा है ना, टच कर रहा तो आप टाइट कर देते हो, तो ये कि टाइट करके होल्ड कर रहा है, ये नहीं कि बस ऐसे होल्ड कर दिया। ऐसे होल्ड करोगे तो सिर्फ शोल्डर पे आएगा, अगर टाइट करके होल्ड करोगे तो पूरा माइंड कनेक्शन आपके चेस्ट के मसल पे जाएगा और उस मसल्स पे लोड आएगा। तो इसके करने हमने भाई 4 सेट, और हाँ इसमें ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाऊंगा, कराऊंगा 10-15 रैप ही, क्योंकि इसमें थोड़े इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चल अपना लास्ट वर्कआउट है, यानी कि अपना 4th वर्कआउट है, ज़्यादा नहीं कराना है, बताता हूँ रीज़न वर्कआउट पूरा सेट कराने के बाद। चल पहले सेट में 15 रैप मारने, ठीक है, अगर हैवी हो तो मेरे को बताइए, मैं हेल्प देता हूँ। 1 चल, 2 फुल रेंज ऑफ मोशन मार, 3 4, बच्चे अक्सर हमारी वीडियो को देख के हाफ रेंज ऑफ मोशन मारते हैं, सो मेरे बिगनर भाइयों आप लोग ध्यान रखो, आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं करना है वर्कआउट, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन वर्कआउट करना है। उसका रीज़न बताता हूँ, आपके मसल बिल्डअप होने का टाइम है, आपकी बॉडी बनने का टाइम है, आपके मसल्स की डेफिनेशन बनने का टाइम है। अगर आप उसको हाफ हाफ करोगे तो आप छोटे ही रह जाओगे, बड़े नहीं हो पाओगे। सो ये बड़े हाफ हाफ ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होती है जो पुराने एथलीट बन चुके हैं, जो बहुत बड़े मसल ले चुके हैं, जिनकी एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉडी की डेफिनेशन निकालते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए हाफ होते हैं, आप लोगों के लिए हाफ नहीं है। ठीक है, सो मेरे भाई ये है अपना लास्ट वर्कआउट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बस इतना सही? हाँ इतना सही, रीज़न बताता हूँ, ब्रेक हो चुका है, आज से इसकी डाइट की कैलोरीज बढ़ाऊंगा, आज से इसको कुछ फूड सप्लीमेंट ऐड करूंगा और आज से इसकी बॉडी के अंदर कुछ मल्टीविटामिन ऐड करूंगा। उससे होगा क्या कि नेक्स्ट वीक इसका थोड़ा सा वजन आ जाएगा, थोड़ी सी बॉडी में पावर आ जाएगी, तो फिर अपना वर्कआउट बढ़ाऊंगा। हमको ऐसे ही धीरे धीरे अपना वर्कआउट बढ़ाना चाहिए, एक बार 4, अगली बार 5, 6, 7, जितना अपनी ट्रेनिंग होती है सारी करनी चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। वेट का भी ऐसे ही होता है, स्लो स्लो बढ़ाना चाहिए, तो उसको भी अगले हफ्ते से बढ़ाना शुरू करूँगा। इसके वर्कआउट ख़त्म करते हैं, फिर अपना करते हैं अपनी डाइट की और मल्टीविटामिन की बात। चलो सो देख रहे हो आप लोग स्ट्रेंथ, ये वो लड़का है जो अपना रेगुलर कर रहा है, ठीक है, रेगुलर कर रहा है, लेकिन देखो सी, यस वेरी गुड, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, क्या 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 एक्सरसाइज थी, ये हो गया सेट, ये अच्छा ड्रॉप सेट मार रहा है क्या, अच्छा चलो मारो दोबारा, फिर देखते हैं।
इससे क्यों मारोगे, अब तो वेट कम करोगे ना ड्रॉप का मतलब। हाँ करो जरा देखते हैं। तो ऐसा होता है मेरे भाई, अक्सर ना बच्चे 6-7-8 महीने 10 महीने करके या साल भर करके ना वर्कआउट, वो अपने आप को एक प्रो एथलीट के साथ कंपेयर करने लगते हैं, और वो ड्रॉप सेट मारना, हाफ रेंज ऑफ मोशन करना, और नहीं हो रही तब भी ज़बरदस्ती करना, ईगो लिफ्टिंग करना, क्योंकि अब ये सोचते हैं अपने मन के अंदर कि भाई अब हम बन चुके हैं ऐसे एथलीट जो कि बहुत प्रो एथलीट है। भाई ये सेट नहीं मार रहे, तू गलत मार रहा है, मैं इसलिए आया हूँ तेरे पास, समझ गया। अभी तो बिगनर ही है, अपने आप को ना वहाँ मत देख, समझ रहा है। अभी उस वर्कआउट का प्रोसेस वही लेके चल, तो चल रहा था कि फुल रेंज ऑफ मोशन मारना है, कोई ड्रॉप नहीं मारना है। अगर आपको लगता है कि ड्रॉप सेट की आपकी पावर है, तो वर्कआउट से पहले ही ड्रॉप सेट मार लो, यानी कि जो आप शुरुआत करते हो वर्कआउट की, उधर ड्रॉप मारना है। अब आपकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी है, ठीक है, आफ्टर 40-45 मिनट्स के बाद ना हमारे हार्मोन्स डाउन होते हैं, हाई नहीं जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के वर्कआउट के लिए अच्छे होते हैं। तो उस टाइम हमको वर्कआउट धीरे धीरे लो करके ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर 20 मिनट के बाद जो पावर होती है, यानी कि जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हाई होता है, वो आप वर्कआउट शुरू करने के 20 मिनट के बाद होता है। 20 मिनट से वो 40 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो उस 40 मिनट के दौरान आप ड्रॉप मारो, नॉन स्टॉप करो, कुछ भी करो चलेगा। लेकिन अब जब बॉडी थक गई है ना, और जब आप हाफ रेंज ऑफ मोशन और 25 किलो का डंबल जो आप पे लग नहीं रहा, उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जान लगा रहे हो, ये बनता है पार्ट ऑफ इंजरी, ठीक है। यही है इंजरी का एक बहुत बड़ा पार्ट, कि आप लोगों को पता नहीं होता कि किस टाइम हमको ड्रॉप मारना है, किस टाइम नहीं मारना है, और हम अपने आप को इंजरी कर लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना मेरे भाई, आप ऐसी गलती मत करना, और तू भी सुन ले, हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं करनी, ठीक है। आइए जरा आज बॉडी देखते हैं दोनों बच्चों की। तो चलो भाई आज लोग इन लोगों की बॉडी देखते हैं कैसी किसकी हो रही है, दो बच्चे हैं। इस वीडियो के दौरान आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा ये कि वर्कआउट कैसे करना है, ये कि हम लोगों की गलती क्या है कि हम अपने आप को 6-8 महीने में क्या कर लेते हैं, ये कि हम लोगों को खाना क्या चाहिए जब हमारा जिम छूट जाता है, ये कि हमारी स्ट्रेंथ किससे सप्लीमेंट से बनती है और वेट किससे बढ़ता है, और ये कि हमको मल्टी विटामिन कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तार भाई बता रहे भाई, बीच लाइफ की टी शर्ट पहन रखी है। सो भाई बीच लाइफ वाले टी शर्ट दे देते हैं, और ये बीच लाइफ के आने वाले चैंपियन है, और ये चैंपियन बीच लाइफ का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर एक दिन अपने इंडिया का नाम सच में रोशन करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले 4-5 साल बाद आपको स्टेज पर ज़रूर दिखेंगे, और कुछ नहीं पता 4-5 साल क्या पता 2-3 साल बाद ही दिख जाए। आओ भाई इधर आओ साइड में, चलो मैं साइड में हो जाता हूँ यार, आने वाले यूथ से थोड़ा साइड ही रहना चाहिए। जैसे भी सुंदर पोज आते हैं ना ऐसे बनाओ, तू ही बनाई वाला, ये देख रहे हो, आज एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि एक दूसरे को स्टेज पे फाइट देंगे, ठीक है। तो ये लोग आप भी करना, यही सोच के करना कि आज स्टेज में देख रहे हैं, आज अपने आप को जिम में देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और एक दिन स्टेज होगा, दूसरे लोग होंगे, उनके साथ चैंपियनशिप लड़ी जाएगी, और ऐसे ही चैंपियन बनता है। हाँ जी चलो मैं भी एक पोज दिखा दूँ, चलो चलो मेरे भाई वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, अपनी गलती समझ आई हो, अपना टाइम समझ आया हो, और हम टाइम वेस्ट ना करें, अपना इंजरी फ्री रहे। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़े छोटों से राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।